अलमदिल्ल अलहमदिल्लाबिलमी वसलात वसलाम महमदमी आऊज़बिल्लाशतरजीम बसमिल्लरबा रहीम ख़्वातिनो हज़रा हम सौरासफ़ का मताल कर रहे हैं आयत चुरानवे ज़ेर है। सूरा में बात यहाँ पहुँच गई थी याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे मिस्र पहुँचे हुए हैं वहाँ ये हकीक़त उन पर वाजे हो गई कि हम जिस बड़ी शख्सियत के पास हाजिर होते रहे हैं वो तो हमारा भाई यूसुफ़ है उस मौके पर जब ये राज मुनकशिफ हुआ तो हमने देखा कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उन्हें तवज्जो तो ज़रूर दिलाई लेकिन माफ़ कर दिया। और ये कहा कि यह मेरा कुर्ता ले जाओ इसको मेरे बाप के चेहरे पर डाल दो उनकी बिनाई लौट आएगी हमने देखा कि जब यह काफ़िला मिस्र से रवाना हुआ तो क़ुरान ने बताया कि याकूब अलैहिस्सलाम ने मीलों के फासले पर यूसुफ़ की खुशबू महसूस कर ली ये सब चीज़ें किस तरह हुई क्यों हुई इनकी नौीय क्या है इस पर हम तफसील के साथ गुफ्तु कर चुके हैं उन्होंने फ़रमाया कि इन्नी लाजद रि यूसुफ़ लौला अन तो अगर तुम ये ना कहो कि बुढ़ापे में मैं सिठिया गया हूँ तो मैं यूसुफ़ की खुशबू महसूस कर रहा हूँ कालू तल्ला नकलफ़ी दलाल कल कदीम। अभी उनके बेटे नहीं पहुँचे लोगों ने कहा बस्ती के लोग गाँव के लोग जो उनके गिरदोपेश इकट्ठे हो जाते रहे होंगे लोगों ने कहा खुदा की कसम आप अभी तक अपने उसी पुराने खप में मुब्तला हैं यानी ये ख़बर मिल गई कि यूसुफ़ को किसी भेड़िए ने उचक लिया है बेटों ने आके वो कमीस भी दिखा दिया जिस पर ख़ून लगा हुआ था इसके बावजूद याकूब अलैहिस्सलाम ने इसको कबूल नहीं किया और जिस तरह के पीछे बयान हुआ रोते रहते थे गाहे गाहे जब मौका मिलता यूसुफ़ को याद करते अब जो उन्होंने ये कहा कि मैं तो यूसुफ़ की खुशबू महसूस कर रहा हूँ तो लोगों ने उन्हें उसी पुरानी ज़िंदगी की तरफ़ तवज्जो दिलाई कि जब से यूसुफ गुम हुआ है और हम देखते हैं कि उस पर कमो बेश बीस बाईस साल गुज़र चुके हैं तुम इसी तरह की बातें करते रहते हो यूसुफ ही तुम्हें याद आता रहता है तो हमारा ख्याल तो ये है कि अभी तक आप उसी पुराने खप में मुब्तला हैं यानी यह कोई खुशबू नहीं है बल्कि एक जहनी एहसास है लंबे अरसे तक जब इंसान किसी चीज़ से मुतलक रहे उसको बुलाने में कामयाब ना हो तो लोगों ने तबसरा किया कि उसी तरह की कोई चीज़ है जो बहुत से लोगों को खपत में मुतला कर देती है आपके लिए आपके बेटे का गुम हो जाना ही खपत का बायस बन गया है लोगों ने कहा खुदा की कसम आप अभी तक अपने उसी पुराने खपत में मुबला हैं फल्मा जाल बशीर अल्का वजही फरतद बसीरा फिर जब ये हुआ कि खुशखबरी देने वाला पहुंच गया यानी उन्होंने कुर्ता देकर आगे आगे भेज दिया किसी को और वो पहुंच गया लोग तो ये तबसरा करके कुछ बैठे रहे कुछ चले गए लेकिन बहरहाल उनका तासर बिल्कुल सही था खुशखबरी देने वाला पहुंच गया और जब वो पहुंच गया तो उसने कुर्ता या कूप के चेहरे पर डाल दिया तो यकायक उसकी बिनाई लौट आई इसी यकीन के साथ अलैहिस्सलाम ने ये बात कही थी चुनाचे जिस तरह उन्होंने कही थी हरफ भारफ पूरी हो गई इसमें ये जो अल्फाज आए हैं कि फलमान जाल बशीर इस पर मैंने लिखा है कि असल अल्फाज हैं फलम्मा जाल बशीर इन में अन से पहले एक फेल महजूफ़ है हमने उसे तर्जुमे में खोल दिया ये अरबियत का एक ख़ास उसलूब है इसकी बहुत सी मिसालें क़ुर मजीद में क़ुरान के तलबा देख सकते हैं उसकी तरफ तवज्जो दिलाई फ़रतद बसीरा तो यकायक उसकी बीनाई लौट आई खालम्लकुम आलमिन माला ताल तब उसने कहा याकूब ने कहा मैंने तुम्हें बताया ना था कि मैं अल्लाह की तरफ़ से वो कुछ जानता हूँ जो तुम नहीं जानते यानी मुझे ये इत्मीनान था मुझे पूरी तसल्ली थी कि मेरे बेटे को भेड़िए ने नहीं खाया वो ज़िंदा है और जो बशारत उसके बारे में उसके पहले ख़्वाब से मुझे मिली थी मैं उसको अल्लाह ही की तरफ़ से समझता रहा हूँ और उसके उस रोया की वजह से मुझे इत्मीनान था कि वो वक्त एक दिन आएगा जिस दिन वो सूरत पैदा हो जाएगी जो उसके रोया में उसे दिखाई गई है कि ग्यारह सितारे हैं और सूरज और चाँद है मैं देख रहा हूँ कि वो मेरे सामने सजदा रेज है तो उसमें यकूब अस्लाम भी समझ गए थे कि ग्यारह सितारों से मेरे ही ग्यारह बेटे मुराद हैं चुनाचे वो उस मंजर का इंतज़ार कर रहे थे और अल्लाह की तरफ़ से ये रोया उनका ख्याल था या उन्हें तसल्ली दी गई अल्लाह ही की तरफ से है चाचे यकीन भी था कि ये पूरा होकर रहेगा उन्होंने बता दिया कि मैं तो अपने परवरदिगार की तरफ़ से जो कुछ जानता था मेरा उसी पर यकीन था और मैं तुम्हें बताया करता था कि नहीं ऐसा नहीं हुआ ये लोग जो कुछ फरमा रहे हैं इनको फरमाने दीजिए हकीकत वही है जिस पर मेरा इतमान है आला आलम अलामकुल्लकुम इन्नी आलम उमिन ही माला तालू या बानस्तक फिर लना जुनू बना इन्ना कन्ना खातिन या बेटे भी पहुँच गए इससे पहले हम देख चुके हैं कि यूसुफ़ के सामने भी उन्होंने एतराफ़ कर लिया था जब यहाँ आए तो एक अफसाना जिसके साथ वो बीस बाईस बरस गुजार चुके थे वो जब अफसाना ही साबित हुआ तो बाप के सामने जाना आसान नहीं था बाप को धोखा दे चुके थे बेटे के साथ जो कुछ कर सकते थे कर चुके थे अपनी तरफ से तो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी तो इस वजह से अब यही ख़बर लेकर के यूसुफ ज़िंदा हैं और ये कि हम उनसे मिल के आ रहे हैं और जिस शख्स से हम ये गल्ला ले आते थे वो यूसुफ़ ही था ये सब बताना आसान नहीं था इससे पीछे एक पूरी तारीख बन चुकी थी तो उन्होंने सबसे पहला जुमला आकर क्या कहा उन्होंने कहा या नस्तक फिर लना जुनू बना इन्ना कुन्ना ख़ौन यूसुफ़ के भाई बोल उठे अब्बा जान आप हमारे गुनाहों की माफ़ी के लिए दुआ करें यानी ये एक बड़ी कीमती चीज़ है कि इंसान बड़े से बड़ा जुर्म करके भी एक वक्त ऐसा आए कि जब एतराफ़ कर ले बात बनाने की कोशिश ना करे नाचे पीछे हमने देखा कि जुर्म तो बहुत बड़ा हुआ इनसे और हसद की वजह से हुआ जो बहुत बड़ी बीमारियों में से है इंसान को जो रूहानी बीमारियां दुनिया में लाक होती हैं बग़ैर किसी तद्द के कहा जा सकता है कि उनमें सबसे बड़ी बीमारी हसद की बीमारी है। इस बीमारी से आगे जो बीमारियाँ पैदा होती हैं वो वाक़ ये है कि गिनवाई नहीं जा सकती अल्लाह ताला से पना मांगनी चाहिए कि वो इस तरह की बीमारियों से इंसान को नजात दे मुझे आपको जैद को बकर को अल्लाह ताला ने बड़ी मतलब सलाहियतों के साथ पैदा किया है जो हालात यहाँ पेश आते हैं उनमें भी बड़ा तनवु और तफ़ावत रखा है ये अल्लाह की पैदा की हुई सूरत है किसी की शक्ल सूरत क्या है किसी की सलाहियतें क्या हैं किसी के औसाफ़ क्या हैं किसी के हालात क्या हैं इन पर असलन किसी का बस नहीं है अल्लाह का फ़ैसला है तो जब कोई शख्स इस तरह के किसी फैसले को देखता है मेरे हल्के में मेरे तलामजा में मेरे उस में मेरे बुज़ुर्गों में मेरे दोस्तों में मेरे अज्जा अकरबा में किसी शख्स को अल्लाह ने कोई मामूली सलाहियत दी है मामूली वस्फ उसमें पैदा किया है उसके हालात में कोई साजगारी पैदा कर दी है तो उसके लिए खैर की दुआ करनी चाहिए उसको कबूल करके उसे अपनी कुत बनाना चाहिए लेकिन इंसान की कमजोरियों में से एक बड़ी कमज़ोरी ये है कि वो हसद में मुबला हो जाता है बनी इसराइल अल्लाह के गज़ब के मुस्तक़ ठहरे उसमें एक बड़ी चीज़ कुरान मजीद ने कहा हसदम बिन दैन फम यही बीमारी इसका बायस बन गई बजाय इसके कि वो ये समझते कि अल्लाह ने आखिरी पैगंबर की बेसत अगर बनी इसमाइल में हमारे भाइयों में कर दी है तो ये अल्लाह का फ़ैसला है हमारे लिए तो सदत की चीज़ ये है कि हक सामने आ गया है तो हम आगे बढ़कर उसके साथ ही बन जाएँ और इस तरह से हक़ की हम ताकत बने हक हमारी ताकत बनेगा और ये देखिए कि जिन लोगों ने ये तरीक़ा इख्तियार किया वो लोग हैं कि जिनको आज हम जमात सहाबा कहते हैं जिनको अपने रहनुमा कहते हैं अपनी पूरी तारीख़ में बर्त और औसाफ़ के लिए उनकी तरफ देखते हैं उनकी मिसालें देते हैं तो यही चीज़ अगर यहूद में से नसारा में से लोग आगे बढ़ के इस्तबाल करते तो उनके लोगों को भी हासिल होती तहम इंसान के साथ ये बीमारी लगी हुई है और इसका जहूर होता रहता है इसी से मुआसराना चश्मक वजूद में आती है और फिर कोई एक शख़्स अपनी पूरी ज़िंदगी उसके बहुत से अवत बात बरसों किसी दूसरे को नीचा दिखाने में और उसको पस्त करने में और उसको लोगों की निगाहों से गिराने में सर्फ कर देता है नतीजा क्या निकलता है कुछ भी नहीं अगर वो यूसुफ़ का सा किरदार अपने अंदर पैदा कर ले अफोदर गुजर का बे न्याजी का अपने रब पर भरोसे का इस अतमान का कि मुझे जो कुछ खुदा ने देना है दुनिया की कोई ताकत मुझसे छीन नहीं सकती तो इस तरह के लोग खायब खासर होकर रह जाते हैं जैसे कि यूसुफ़ के भाई होकर रह गए चुनाचे अब बोल उठे कि अब्बा जान हमारे गुनाहों के लिए आप माफ़ी की दुआ करें यानी हम आपसे भी यही दरख्वास्त करते हैं कोई उन्होंने आके बात बनाई नहीं कोई दाएँ बाएँ की चीज़ नहीं की साफ़ साफ एतराफ़ साफ कर लिया इन्ना कुन्ना खातिन इन। वाकई हम खताकार यानी हमसे गलती हुई है सवाए हसद के कोई चीज़ नहीं थी जिसने ये सब हमसे कराया जब इंसान ये कर रहा होता है तो बड़े बहाने तराशता है एक पूरी दास्तान बना के बता सकता है इल्ज़ाम लगा सकता है तरह तरह की चीज़ों को अपना रंग दे सकता है लेकिन वो वक्त आ जाता है कि जब हकीकत बिल्कुल बरह होकर सामने आ जाती है और जब हकीकत बरहाना होकर सामने आती है तो फिर भी बहुत से लोगों को ये तौफीक नहीं हासिल होती कि वो इस तरह एतराफ़ कर लें तो इस लिहाज से यूसुफ़ के भाइयों का ये बड़े मर्तबा है कि उन्होंने भाई के सामने भी एतराफ़ कर लिया और यहाँ भी एतराफ़ कर लिया वाकई हम खताकार थे बाप भी पैगंबर है और ये देखिए ये सूरा हमें हर हर कदम पर क्या सबक दे रही है ये मालूम हुआ कि हसद की बीमारी क्या कुछ करा देती है ये वाजे हुआ कि अगर आदमी यूसुफ़ का सा किरदार अपने अंदर पैदा कर ले तो कामयाबी किस तरह उसके पाँव चूमती है अगरचे उसके इस मरहल तक पहुँचने में बीस बाईस साल लग जाए तो ये वाजे हो गया कि अल्लाह ताला के हाँ जो खैर के नतज हैं वो ये ज़रूरी नहीं होता कि मेरी और आपकी ख्वाहिश के मुताबिक दो दिन में निकल आए उसमें बाज़ात बीस बीस साल लग जाते हैं रसालत में आप के मामले में जो नतीजा निकला यानी वो जिस नतीजे को सामने रख कर ये शुरा आईना दिखा रही है कुरैश को कि तुम्हारे लिए भी वही नतीजा निकलने वाला है उसमें भी बिल्कुल यही हुआ जब हिजरत की रात कुरैश ने नदवा में बैठ के फ़ैसला कर लिया तो वही फैसला था भाई थे यानी रसूलुल्लाह के चचा हैं भाई हैं अज्जा हैं अकरबा हैं एक बरादरी है एक ख़ानदान है लेकिन नहीं बर्दाश्त कर सके और वजह क्या है वो मैंने अर्ज़ किया कि वो वजह फिर उनकी ज़ुबान से कुरान ने नकल कर दी है कि लऊलुजल हाज़ल कुरान वजुलम मिनल करिए अजीम ये तो हमारे यहाँ के उन लोगों में से हैं जो कभी सरदार नहीं रहे हमारे ये कमज़ोर लोग हैं हमारे यहाँ ताइफ में मक्के में बड़े बड़े सरदार हैं हमारी बरादरी में तो आखिर अल्लाह ताला को पैगंबर बनाना था तो उनमें से किसी को क्यों नहीं बनाया अला रजुल मिलल अजीम ये बड़ा आदमी कोई बड़ा सरदार उसका इंतखा क्यों नहीं किया यही रह गए थे तो वहाँ पर भी यही चीज़ है जो फरमा है कुरान ने ये सारी सरगुज़श सामने रख कर आईना दिखाया है कि तुम्हारे साथ भी यही होने वाला है और जब ये हो जाएगा तो फिर एक इम्तहान बरपा होगा वो ये कि जब पैगंबर फ़तेह मक्का के बाद सामने खड़े होंगे जैसे यूसुफ सामने खड़े हैं और इस सरज़मीन की बादशाह उनको मुंतकिल हो जाएगी तो तुम क्या करोगे और वो क्या करेंगे यानी क्या उस मौके पर वह दरगुजर का इजहार करेंगे जैसे यूसुफ़ ने किया चुनाचे हम जानते हैं कि रसोल्ला वसम की ज़िंदगी में जब ये मौका आया तो आपने वही अल्फ कहे जो यूसुफ़ ने कहे ला तसरीबाल्योमन तुम तो लगा तुम, 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 तुम मेरी तरफ़ से आज़ाद हो तुम पर कोई सरजनश नहीं है मैंने माफ़ कर दिया तुम यहाँ बाप को भी यही इम्तहान दरपेश है बेटे हैं और बेटों ने जो अजीय दी है वो दो दिहाइयों पर फैली हुई है यानी बाप के महबूब तरीन बेटे को उठा के जा के कुएँ में डाल दिया आके एक पूरी दास्तान सुना दी ये बता दिया कि उसको तो भेड़िया कर ले गया है इस सब के बस अब जब ये हकीकत वाज हो गई कि झूठ था महज अफसाना तराजी थी और यूसुफ भी इस शान के साथ सामने आ गए तो बाप की तरफ़ से भी सख्त गुस्से सख्त गम का इजहार हो सकता था वो भी ये कर सकते थे और करते तो कोई बेजा बात ना होती जो कुछ ये कर चुके थे उसके बाद अगर वो सजा भी देते इनको कटहरे में खड़ा कर लेते तब भी हक में होते लेकिन देखिए उन्होंने क्या किया जैसे ही इन्होंने अपनी ख़ता का एतराफ़ कर लिया तो काला सूफा साकुम रब्बी इन्न हो रहीम उसने कहा यानी याकूब ने कहा मैं अपने रब से जल्द तुम्हारे लिए मगफरत की दुआ करूँ यानी मेरी तरफ़ से तो माफ़ी हो गई मैंने तो माफ़ कर दिया लेकिन ये जुर्म सिर्फ मुझसे मतलब नहीं है और कोई जुर्म भी सिर्फ मेरे या आपसे मतलब नहीं होता वो मेरे साथ भी होता है और इंसान खुदा का मुजरिम भी बनता है जब कोई किसी को कत्ल करता है तो मैंने बहुत बजात से बयान किया है कि वो उस ख़ानदान का भी मुजरम होता है उस शख़्स का भी मुजरम होता है जिसको कत्ल किया है उस माशरे का भी मुजरम होता है जिसमें उसने इस जुर्म का इरतक किया है और खुदा का भी मुजरम होता है तो उन्होंने बेटों से ये कहा कि मैंने तो माफ़ कर दिया लेकिन इतना ही नहीं मैं अपने रब से भी बहुत जल्द तुम्हारे लिए मगफरत की दुआ करूँगा और कि हवल होवल रहीम बेशक वही बख्शने वाला है उसकी शफकत अबदी है ये जो अल्फाज आए हैं कि बहुत जल्द उस पर मैंने लिखा है कि असल में लफ्स सोफ़ा आया है यानी बहुत जल्द के लिए जो अरबी ज़ुबान में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो सोफ़ा है ये इस बात की तरफ़ इशारा कर रहा है कि हज़रत याकूब ने उनसे ख़ास एहतमाम के साथ और ख़ास वक्त में दुआ का वादा फरमाया ये कह कर टाल नहीं दिया कि जाओ अल्लाह तुम्हें माफ़ करे यानी ये जो अल्फाज हैं ये मौखर नहीं कर रहे बात को बल्कि अहतमाम पर दलालत कर रहे हैं ये हमने भी ज़िंदगी में तजर्बा किया होगा दसियों लोग आपसे कहेंगे हमारे लिए दुआ कीजिए तो आदमी उसी वक्त दुआ के कुछ जुमले बोल देता है लेकिन एक दूसरी चीज़ भी है और वो ये कि जब ख़ास ताल्लुक होता है या खास इल्तफात होता है तो हम कहते हैं कि हम ज़रूर आपके लिए अल्लाह ताला से दुआ करेंगे नमाज़ में दुआ करेंगे किसी ख़ास वक्त में दुआ करेंगे तो ये अहतमाम परिस है कि तुम्हारा गुनाह बड़ा है और मैं सिर्फ यही नहीं कि अब एक जुमला कह के तुम्हें तसल्ली दे दूँ मैं बहुत जल्द अपनी खलबतों में जैसे अपने रब को पुकारता हूँ तो उस तरह के किसी वक्त में तुम्हारे लिए दुआ करूँगा इतमान रखो फलम दखलू अला यूसुफ़ अब फिर कुरान मजीद ने उस सरगुजश का एक बड़ा हिस्सा हस्फ कर दिया है यानी जाहिर है कि पैगाम पहुँचाया गया सब लोगों ने तैयारी की उसके बाद उन्होंने अपना गाँव छोड़ा उसमें कुछ दिन लगे होंगे फिर ये काफ़िला वहाँ से निकला और ये मिस्र पहुँच गए फिर जब ये लोग यूसुफ़ के पास पहुँचे फलम दखलू अला यूसुफ आबाला बवा उसने अपने वालदेन को ख़ास अपने पास जगह दी अपने वालदान को ये बात चूँकि तारीखी तौर पर मालूम है कि उनकी वालदा की वफात हो चुकी थी यानी हजरत यूसुफ़ की वालदा ज़िंदा नहीं थी ये दोनों भाई एक माँ से थे यानी ये यूसुफ़ और बन यमीन और बाकी भाई दूसरी माँ से थे इनकी वालदा वफ़ात पा चुकी थी तो फिर कुरान मजीद ने यहाँ वालदेन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो बिलबदाहत वाज़े है कि सोतीली वालदा साथ आई हाँ हैं चुनाचे तो मैंने लिखा है कि यानी अपने वालिद और अपनी सोतीली वालदा को जो उनकी हकीकी खाला भी थी उनको जगा दी जैसे वो आए बाइबल में सराहत है कि उनकी वालदा वफात पा चुकी थी कुरान मजीद इस तरह की चीज़ों को बयान नहीं करता इसलिए कि वो कोई किस्सा सुनाने की किताब नहीं है बाइबल तारीख़ की किताब है यानी वो बनी इसराइल के बौरखीन ने तरतीब दी है वो असलम तारीख़ की किताब है जिसमें किसी किसी जगह वो किताबें भी आ गई हैं जो नाजिल हुई उन पर फिर जब ये लोग यूसुफ़ के पास पहुँचे उसने अपने वालदान को ख़ास अपने पास जगह दी वक़ालत खुरू मिस्र इन शह और कहा मिस्र में अल्लाह चाहे तो अमन चैन से रहिए यानी अब आपने बदब को छोड़ दिया देहात की ज़िंदगी ख़त्म हुई उसकी अपनी मशक्क़तें होती हैं ये मिस्र है यहाँ मेरी बादशाही है तो ये पूरा मिस्र आपके लिए है देखिए कौन सी जगह आपको पसंद है कहाँ रहना चाहेंगे कहाँ डेरे डालेंगे अमन चैन के साथ रहिए अल्लाह चाहे तो अमन चैन से रहिए इसमें जो अरबी ज़ुबान की तरकीब इस्तेमाल हुई है वो एक ख़ास महल की है उद खलू मश्रा इन शह आमिन मैंने लिखा है ये खैर मकदम का जुमला है यानी ये महज बयानिया जुमला नहीं है खैर मकदम का जुमला है बाइबल का बयान है कि ये लोग पहुँचे तो हज़रत यूसुफ़ ने शहर से बाहर निकल कर इनका खैर मकदम किया और इन्हें इस शान से शहर में लाए कि एक जश्न की सूरत पैदा हो गई उसकी बड़ी तफसीलात बाइबल में बयान हुई हैं कि जिस तरीके से यानी एक शाही काफिला आता है और उसका इस्तेबाल किया जाता है और उस मौके पर गोया एक मेले किसी सूरत पैदा हो गई जश्न किसी सूरत पैदा हो गई तो बहुत शान व शिकों के साथ वो अपने वालदान को अपने ख़ानदान को मिसर लाए ये उसलूब अरबी ज़ुबान में आम तौर पर खैर मकदमी का है और इसी नौीयत के जुमले हैं जैसे हम अरबी ज़ुबान में कहते हैं कि व सहलन मरहबन वो भी असल में खैर मकदम के पूरे जुमले हैं जिनका एक मुखफ़ इस्तेमाल हो जाता है और पूरे जुमलों का मुद्दा ये होता है कि आप तशीफ़ लाए आप अपने लोगों में आए हैं आप एक कुशादा सरजमीन में आए हैं जो इन शाला आपके लिए सहूलत ही सहूलत बनेगी ये जगह अब आपके लिए तंगी की नहीं कुशादगी की ये सब बातें जो मैंने बयान की हैं ये तर्जुमा है आहलन व सहलान मरहबन का तो अरबों का तरीक़ा यही है एक जश्न किसी सूरत पैदा हो गई इस शान के साथ वो आए अब जाहिर है कि फिर बाहर से जब उनका इस्तबाल हो गया और इस्ताल या तकरीब ख़त्म हुई तो वो उनको लेकर अपने महल में आ गए अपने घर पहुंच गए अपने घर पहुंचकर कर व रफा बबाह है अला लर्श उन्होंने बड़े अहतमाम के साथ अपने कदर वालद को और अपनी वालदा को उस तख्त पर बैठा दिया जिस पर वो ख़ुद बैठते थे और बाहर बैठ कर लोगों के मामल देखते थे जाहिर है कि यहाँ अलर्श से मुराद बादशाह का तख्त नहीं है बादशाह तो मौजूद था ऐसे ही जैसे इंग्लिस्तान में मौजूद है उनकी हैसियत मैंने अर्ज़ किया था कि कमो बेश वही थी जो पार्लिमानी निज़ाम में वज़ी की होती है इख्तियार सब मुंतकिल कर दिए गए थे बादशाह ने अपनी आइनी पोजीशन को बरकरार रखा इसके सिवा बादशाह ने कोई चीज़ अपने पास नहीं रखी तो उन्होंने अपने तख्त पर बिठाया चनाचे इसकी मैंने वजहत कर दी है हाशिए में कि इससे मुराद यहाँ तख्त शाही नहीं बल्कि वो तख्त है जिस पर हज़रत यूसुफ़ अपने मनसब की ज़िम्मेदारियों को अदा करने के लिए बैठते थे तो क़ुरान मजीद जिस ज़ुबान में है उसमें बाज़ बाज़ात एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल होगा लेकिन करीना क्या है मौका क्या है महल क्या है किताब इससे पहले किन बातों को बयान कर चुकी है वो सब सामने रख कर मुतिन हो जाता है कि यहाँ इससे क्या मुराद है व रफ़ा बबरश व खर्रदा उसने अपने वालदान को तख्त पर बिठाया अब भाई भी जाहिर है कि कुर्सियों पर बिठा दिए गए होंगे दाएँ बाएँ जैसे कि आम तरीक़ा होता है दरबारों में यानी तख्त पर वालदान बड़ा जबान हो गए और दाएँ बाएँ भाई खड़े हो गए तो अब जब बैठा कर यूसुफ़ सामने खड़े हुए तो ऐसी सूरत हाल पैदा हुई ऐसा मंजर पैदा हो गया एक नौजवान जिसको घर से उठा के बाहर फेंक दिया गया था जिसके बारे में ये कहा गया था कि इसको भेड़िए ने उचक लिया है वो आज मिस्र का बिला शिरकत गैर हुक्मरान है उसके वालदे इस शान के साथ अपने देहात से आ जाए हैं वही कैफियत कम फतह मक्का के मौके पर पैदा हुई होगी लेकिन ज़ाहिर है कि यहाँ तो फ़कीरी थी वहाँ बादशाही थी इस शान के साथ इस तरह के लिबास ऐसा महल उसमें में हज़रत यूसुफ़ खड़े हैं और फिर सीरत किरदार का वो महल जो बरसों में उसवार हो चुका था वो भी अपने सारी शान शौकत से सामने है तो ऐसा मंज़र पैदा हुआ कि सब के सब बे अख्तियार झुक गए तो गोया वो खाब पूरा हो गया जो इब्ता में बयान हुआ था और सब बे उसके लिए सजदे में झुक गए इस पर मैंने वजाहत की है कि सजदे से मुराद यहाँ वो सजदा नहीं है जब हम खुदा के आगे करते हैं यानी अल्लाह ताला के आगे सजदा करने की एक हैत भी है हम अपनी पेशानी ज़मीन पर रख देते हैं और उसकी एक ख़ास हैत मुक़र्रर है यहाँ इससे मुराद वो सजदा नहीं है जो हम खुदा के आगे करते हैं बल्कि रुकू के तरीक़े पर झुक पड़ना है तो अरबी जुबान में इसके लिए भी ही का लफ्ज आता है ये उसी उसलूब पर है जिसमें फेल इस्तेमाल होते हैं और कभी अपनी बिलायत के लिए कभी अपनी इंतहा के लिए कभी अपने इकमाल के लिए कभी फैसले के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं तो यहाँ जब ये कहा है कि वर्रु लहू सजदा यानी वो झुके तो गोया सजदेही का इरादा करके तो ये मालूम होता है कि खुद यूसुफ़ आगे बड़े उनका के नहीं आया क्या कर रहे हैं आप लोग तो गोया एक तरह का जिसे बो डाउन कहते हैं वो सूरत पैदा हुई बड़ों की तज़ीम के लिए इस अंदाज में झुकना कदीम ज़माने का मरूफ तरीका था अरबी ज़ुबान में लफ्स सजदा इस मानी के लिए भी आम इस्तेमाल किया जाता है यानी वही अपने इब्तई मानी में इस्तेमाल हो जाता है बाइबर और तलमूद दोनों में तस्री है कि जिस चीज़ को इस्तलाही सजदा कहा जाता है यानी ये जो हम अल्लाह ताला के सामने करते हैं जिसकी एक ख़ास हैत है वो बनी इसराइल की शरीयत में भी गैर अल्लाह के लिए उसी तरह ममनू था जिस तरह हमारी शरीयत में ममनू है इसलिए ये बात जो बेलमूम लोग कह देते हैं कि पहली शरीयतों में इस तरह का सजदा ममनू नहीं था उसका बायस इसके सिवा कुछ नहीं कि जो हमारे यहाँ कदीम साइाइफ हैं उन पर लोगों की नज़र नहीं है उनमें भी वजाहत के साथ बयान हुआ है और बाइबल में भी तलमुद में भी, भी, भी बयान हुआ है बाइबल और तलमूद दोनों में तस्री है कि जिस चीज़ को अतलाई सजदा कहा जाता है वह बनी इसराइल की शरीय में भी गैर अल्लाह के लिए उसी तरह ममनू था जिस तरह हमारी शरीय में ममनू है यहाँ जिस वाक्य का ज़िक्र है वो किस तरह पेश आया उसताद इमाम लिखते हैं हज़रत यूसुफ़ ने अपने वालदे को ताज़ीमन तख्त पर जगह दी यानी उन्होंने एक राम किया कि वालदान को तख्त पर बिठाया, बकिया लोग हसब दस्तूर आम लोगों के बैठने की जगह पर बैठे होंगे इसके बाद मालूम होता है कि हज़रत यूसुफ़ नमोदार हुए और कायदे के मुताबिक उनके ख़द हशम उनकी तज़ीम के लिए झुके तो माहौल से मुतासर होकर ये लोग भी बेख्तियारा उनकी तज़ीम के लिए झुक पड़े यानी माहौल ऐसा बना ऐसा मंज़र बना कि उसमें सब के सर झुक गए और ये ठीक वो बात पूरी हो गई जो उन्होंने अपने रोया में देखी थी हमारा वक्त खत्म हो गया अकूल और कौली हाजा बस्तफर वकूम वल بسم الله الرحمن الرحيم ان عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم استلأ علينا رجل حسن الوجه حسن الشعر شديد بياض السياب شديد سواد شعر الراس لا يرى عليه اثر السفر فنظر القوم و بعضهم الى بعض वला याफ़ु मुन्ना अहद वल सन्न अहलबल वसलमबी सला वसम सकाल आदनू या अल्लाह कला नाम फ़ना फासनदा रुकबते है रुकबते है व वज़ाकफ़ है अला फ़खज़ है कमा फिस सलात नाफ़िसत काल या मुहमद अखबिरनी अनिलसलाम فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام أنتشد لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتهج البيت ان استطاع اليه سبيلا قال صدقت قال فأجبنا له يصله ويصدقه ये तवील रवायत है इसका एक हिस्सा मैंने पढ़ा है ये रवायत सही मुस्लिम से ली गई है और वहाँ इसका रकम है बारह इतने हिस्से का तर्जुमा सुन लीजिए उमर बिन खत्ताब से रवायत है उन्होंने फ़रमाया हम एक दिन रसूल सल्ला व्म की खिदमत में हाज़िर थे कि इस दौरान में एक शख़्स नमूदार हुआ हसीन चेहरा हसीन बाल बिल्कुल सफ़ेद कपड़े बालों का रंग बहुत स्याह उस पर सफ़र के कोई आसार नहीं थे चुनाचे लोगों ने ताज्जुब से एक दूसरे की तरफ़ देखा लेकिन हम में से कोई उसे पहचान नहीं रहा था यानी ये भी वाज़ हो गया कि बस्ती का कोई शख्स नहीं है छोटी सी बस्ती है चंद हज़ार की आबादी है उसमें हर शख्स दूसरे से वाकिफ़ है चंद कबीले हैं बरदरियाँ अपनी बरदरियाँ हैं ये तो नहीं हो सकता था कि मदीने ही का कोई शख्स आए और उसके बारे में वहाँ बैठे हुए लोगों को मालूम ना हो कि कौन आया है उसके बाद दूसरी सूरत हो सकती थी और वो ये कि कोई सफ़र से मशक्क़त उठा के आया है दूर दराज से और मिलने के लिए आया है तो जब कोई सफ़र से आता है तो एक मुसाफिर पर भी असरात होते हैं ये देख रहे थे कि सफ़र पे कोई आसार नहीं यानी कोई ऊँटनी आके नहीं, नहीं बिठाई कोई आके कजावा नहीं खोला कोई कपड़ों पर शिकने नहीं हैं कोई चेहरे पर धूल नहीं पड़ी हुई ऐसे ही लगता था कि बस नहा धोकर अभी कोई शख्स मजलिस में आ गया कोई आसार नहीं थे चनानाचे लोगों ने तजुब से एक दूसरे की तरफ़ देखा लेकिन हम में से कोई उसे पहचान नहीं रहा था साफ वाज़ था कि वो इस दार के लोगों में से नहीं है यानी ये भी वाज़ था कि यहाँ के लोगों में से नहीं है और सफ़र के भी कोई आसार नज़र नहीं आ रहे थे तो इसलिए लोगबुब से देख रहे थे कि ये कौन शख्सियत है बहरल वो शख्स आया और उसने रसूल सल को सलाम किया फिर कहा मैं आपके करीब आ सकता हूँ या अल्लाह यानी दायरा है कि मजलिस में दाखिल हुए हैं तो दाखिल होकर उन्हें इजाज़त ली कि लोग बैठे हुए हैं तो मजलिस के आम आदाब तो यही होते हैं कि आप आगे नहीं आते जहाँ आप दाखिल होते हैं जगह मिलती है वहाँ बैठ जाते हैं यही चीज़ सिखाई भी गई है तो वो करीब आना चाहते हैं चनानाचे उन्होंने इजाज़त मांगी कि मैं आपके करीब आ सकता हूँ या रसोल्ला आपने फ़रमाया ज़रूर चुनाचे वो करीब हुआ फिर अपने जानू आपके जानुओं से मिलाए और दोनों हाथ अपने जानुओं पर रख कर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बिल्कुल उस तरह बैठ गया जिस तरह हम नमाज में बैठते हैं यानी बहुत अदब के साथ बहुत इज्जत के साथ जैसे बुजुर्गों के साथ बैठते हैं वो उस तरीके से आके बैठ गया इस पर मैंने लिखा भी है यानी नहायत अदब के साथ जिस तरह बुजुर्गों के सामने बैठा जाता फिर अर्ज़ किया ए मोहम्मद ये बताइए कि इस्लाम क्या है यानी आके उसने एक बड़ा बुनियादी सवाल कर दिया इस्लाम क्या है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु इसके जवाब में फरमाया इस्लाम ये है कि तुम इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के, के सिवा कोई अला नहीं और इसकी गवाही दो कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं नमाज का अहतमाम करो ज़ात अदा करो रमज़ान के रोज़े रखो और सफ़र की इस्तात हो तो बैतुल्ला का हज करो ये जवाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया इसमें जो सवाल किया गया इस्लाम क्या है तो आगे के सवालात से ये वाज हो जाता है कि इस्लाम का लफ्स यहाँ पूरे दीन के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ बल्कि दीन के जाहिर के लिए इस्तेमाल हुआ है और ये भी इस लफ्स का एक इस्तेमाल है चुनाच ख़ुद कुरान ने शुर हजरात में इसको इसी तरह इस्तेमाल किया है यानी दीन का बातिन क्या है ईमान और दीन का ज़ाहिर क्या है इस्लाम यानी बाहर जब वो ईमान बाहर आता है तो क्या सूरत इख्तियार करता है उसके लिए इस्लाम का लफ्ज़ उसमें फिर ये नहीं देखा जाता कि बातिन में क्या है और क्या नहीं है ज़ाहिर में क्या चीज़ है जो एक शख्स को मुसलमान बना देती है तो इस्लाम क्या है ये सवाल उसने किया इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि जो चीज़ जाहिर में आती है वो हमारे जाहरी बदन पर भी नुमाया होती है हमारे कॉल से भी उसका जहूर होता है हमारे फेल में भी वो दूसरों को दिखाई देती है लेकिन जो चीज़ें बातिन से मुतलक़ होती हैं उनको जब तक हम अपने अलफाज में बयान ना करें या बातिन की किसी हकीकत को हम ख़ुद लोगों के सामने जाहिर ना करें कोई उसको देख भी नहीं सकता तो अगर इस लिहाज से देखा जाए तो दीन को अगर खारिज में खड़े होकर कोई देख रहा है तो यही कुछ नजर आएगा जो बयान फरमाया है इसमें यह आप जानते हैं कि दीन के दो हिस्से असल दीन दो ही चीज़ों का नाम है यानी एक ईमान दूसरे अखलाक ईमान का यहाँ इजहार हो गया है वो क्या है वो ये कि तुम इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई अला नहीं और इसकी गवाही दो कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है ये गवाही है कि जिसमें जब आप इस हकीकत का इज़हार कर देते हैं कि मैंने मान लिया इस बात को कि इस कायनात का तनह महूद तनहा खालिक और मेरा रब एक ही है और जब ये कह देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और मैं इसकी गवाही देता हूँ तो इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी आपके बातिन में ईमानियात थे खारिज में उसके हूर की आखिरी सूरत आपकी ज़ुबान पर आ गई यानी वो पूरी की पूरी आ गई अखलाक फितरत है इसलिए उसको किसी जगह भी बयान करने की ज़रूरत नहीं वो तो इंसानी फितरत का हूर है इसलिए मैंने उसको शरीयत से अलग अपनी किताब में बयान किया है वो असल में ईमान ही का एक फ़ेल है जो हमसे शादिर हो जाता है चुनाच क़ुरान ने उनके लिए नाम भी एक ही इख्तियार किया है अल हिकमा का उसके बाद इबादत है जो हमारे लिए दीन की अलामत बनती हैं नमाज़ पढ़ते हैं रोज़ा रखते हैं तो इस लिहाज से देखिए तो नहायत जामे तरीके से पूरी बात बयान हो गई है तो हजूर ने ये पूरी बात उसके जवाब में बयान की इसमें जाहिर है कि कुछ अहम चीज़ें आई हैं जैसे कि लफ्ज़ इस्लाम का इस्तेमाल है इसी तरह से ये तोहद की गवाही है इसकी क्या अहमियत है रसूलुल्लाह सल्लम ने इसको इस तरह बयान किया है और इसके साथ फिर इबादात को जोड़ दिया है इन सब चीज़ों पर इंशाल्लाह अगली नशस्त में बात करें आखिर बस्मिल रहीकुम गांधी साहब के साथ हफ्तावार सवालों जवाब की बरह रहा नश्स को लेकर डेहलिस अमरीका गांधी सेंटर से इतवा फिर हाजिर खदमतें आगाज़ करते हैं गांव से बहुत शुक्रिया आपके वक्त का दावत दीन सीरीज़ पर हम गुफ्तू कर चुके हैं उस सिलसिले की आज ये दूसरी नशस् तक हमसे गुज्तर नशत में मौजू का एक पस मंज़र वाज हुआ था कि ये पूरी की पूरी बहस किस कदर अहमियत की हामिल है और इसमें अगर एक जगह पर गलती हो जाए तो कैसे जो शाकला है और पूरी की पूरी अप्रोच है वो मुतासर होती है दो जुमले आपकी ज़ुबान से हमने सुने आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को उस पर आने से पहले हर आदमी ये जानना चाहता है कि अपने उस्ताद जिनाब आप अमीन हसन इस्लाही की एक आरा किताब जो उन्होंने उन्नीस सौ इक्यावन में लिखी उसके बारे में आपने इस तहफ़ का इजहार किया कि वो किताब अगरचे बड़ी जामें और बड़ी माने और बड़ी बेहतरीन एक शाहकार तसनीफ़ है लेकिन अगर उसकी बिना इस्तलाल का तजिया किया जाए तो वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे गत्ते का महल होता है तो सवाल अब्तदा तो तो में आपकी खदमत में रखना चाहता हूँ आपने एक और बात फरमाई थी कि ये पहली किताब है इस तरह की जिसमें दावत का एक पूरा मुनज़म लाहेमल पेश किया गया ख़ुद मौलाना सैद अबूल साहब मौदूदी की जो पूरी की पूरी ताबीर है हम ये देखते हैं उसमें दावत दीन और उसके तरीक़ाकार और उसका अबलाग और उसके रिसोसेज़ ये सब कुछ ज़ेर भैंस आए हैं मौलना मौजूदी का जिक्र क्यों नहीं हुआ अब तक मैंने अर्ज़ किया था कि हमारी पूरी तारीख में मुसलमानों के जलील कदरमा दावत का जिक्र भी करते हैं दावत की तरगीब भी देते हैं ख़ुद उनकी अपनी ज़िंदगी दावत का बेहतरीन नमूना रही है उन्होंने दावत के लिए बड़े गैरमूली इकदाम भी किए हैं लेकिन जब कोई चीज़ मन तरीके से मुद्वन करके पेश की जाती है तो उसकी नौीयत बिल्कुल और हो जाती है इसकी मैंने मिसाल भी दी थी कि इमाम शाफी से पहले हमारे जलील फखा उसूल को सामने रख कर ही इश्तेद करते थे कुरान मजीद को कैसे समझना है कुरान मजीद की हैसियत क्या है सुन्नत क्या है उसकी तरफ़ कैसे रुजू करना है इसी तरह इश्तिहाद में किन चीज़ों को मलहूज रखा जाएगा इश्हाद के कवायद आमा क्या हैं उनका बाहमी रब्त कैसे होता है ये चीज़ें आपको अहनाफ के यहाँ भी मिलेंगी और ऐसा भी होता है कि जब वो तहरीरें पढ़ी जाती हैं या वो गुफ्तुएँ करते हैं या तालीम तालुम का अहतमाम होता है तो ये चीज़ें बयान भी होती हैं मौलाना सैद अब्रा साहब मऊदूदी के यहाँ भी बल्कि इससे पहले शाह वली के यहाँ और नमाय देवबंद के यहाँ ये चीज़ें आपको बयान होती हुई नज़र आएंगी लेकिन इसको एक बाकायदा तरीके से पेश किया जाए मिसाल के तौर पर जैसे आप नमाज के बारे में जानना चाहते हैं तो फ़िक में एक पूरी किताब सलात है आप उसको पढ़ते हैं उसमें इब्ता से इंतहा तक सुन्नत से जो कुछ नमाज मालूम हुई है रिसालत में आप ने जो तोज़ीत फरमाई हैं इसी तरह कुरान मजीद ने जहाँ जहाँ उसका जिक्र किया है सबको सामने रख कर एक मरक्ब तरीके से वो बता देते हैं आपको कि नमाज़ क्या है उसके फ़रज़ क्या हैं वात क्या हैं सुनन क्या है उसमें नवाफिल की क्या नोयीत है उसके अमाल क्या हैं उसके असकार क्या हैं तो एक पूरी तस्वीर आपके सामने आ जाती है इसी तरह हदीस की कोई किताब उठाइए तो वो भी यहीं से शुरू होती है यानी किताब तहारत होगी उसके बाद किताब सलात आ जाएगी सुनन की किताबों में ख़ास तौर पर इस्लाम पर कोई किताब आप उठाएंगे तो उसमें भी बहुत मरतब तरीके से नमाज का जिक्र होगा रोज़े का होगा हज का होगा दूसरे अहकाम का होगा तो मौलाना सैद अबूल्ला साहब मौजूदी हों या दूसरे अहिल हों इसका हरगज़ यह मतलब नहीं है कि उनके यहाँ दावत ज़ेर बहस नहीं है दावत से मतलब मबास सामने नहीं आते या उनकी अपनी ज़िंदगी दावत का नमूना नहीं है ये पूरी तारीख में एक जिंदा हकीकत के तौर पर मौजूद रही है बल्कि आगे चल कर मैं आपको ये बताऊँगा कि दावत का सही तरीक़ार मुसलमानों के जलील कदराम ने हमेशा मलूज रखा है यानी अमला उन्होंने इसमें गलती नहीं की एक बायदा इल्म के तौर पर इसको मुद्वन कर दिया जाए जैसे कि बाकी चीज़ों की मैंने मिसालें दी वो काम इस तरह नहीं हुआ और अगर हुआ भी यानी इस तरह की बात किताबें लिखी भी गई हैं तो वो ज़्यादातर दावत के फ़ज़ाइल बयान कर देंगी दावत की अहमियत बयान कर देंगी लोगों को ये ज़िम्मेदारी पूरी करनी चाहिए उसका उनके अजर क्या मिलेगा इस तरह की चीज़ें ज़्यादातर बयान करती हैं लेकिन खुद दावत है क्या वो मुझसे कैसे मतलब होती है मुझसे मतलब होती है तो इतलाक हो जाती है उसके कोई मदारज हैं उसका कोई अफरा के लिहाज से फ़र्क है उसके शराइ क्या हैं उसके हदूद क्या हैं जिस तरह के एक बायदा कानून को बयान किया जाता है इस किताब का हवाला यानी उस्ताद इमाम की किताब दावदीन और उसके तरीक़ार का हवाला इस लिहाज से और ये आप जानते हैं कि मैंने अपनी किताब मीज़ान में इस तरह से पूरे दीन को मुरतब करके पेश किया है तो मेरे पेश नज़र तो जब मैं उस किताब का एक बाब लिखने बैठा हूँ तो वही चीज़ें होंगी कि जो ऐसी ही मरतब हो, इसी तरह उसमें हर चीज़ मुतिन की जाए यानी मैंने अगर इबादत का बाब लिखा है तो वहाँ पूरी मुसलमान उम्मत के फकहा मुहदसिन सब ये बाप बयान कर रहे हैं मेरे सामने भी एक मुरतब चीज़ पहले से मौजूद है मैं उससे कहाँ इख्लाफ करूँगा कहाँ इतफाक़ करूँगा कहाँ पेशकश तब्दील कर दूँगा वो तो आगे का मामला है ना लेकिन एक मुरतब मद्वन मेरे सामने इल्म आ जाता है तो दावत का ये मामला नहीं है इसको वाजे किया था मैंने अब उसके बाद ये देखिए कि मसला क्या हुआ यानी उस्ताद इमाम की शख्सियत से वाकिफ़ हैं मैं आज जो कुछ बयान करता हूँ ये सब उन्हीं का फैज़ है ये हकीकत है कि तदब्बर क़ुरान ने एक दुनिया तब्दील की है सोचने का अंदाज़ तब्दील किया है इसी तरह से मौलाना सैयद अबर साहब मौजूदी भी हमारे अहद के जलील कदर अहल में से हैं पूरी ज़िंदगी उन्होंने इसी दावत में बसर की है और एक जमाने में तो गोया आलमी सतह पर उनको इमाम कहा गया और ये अरब वाले भी कहा तो ये सब अपनी जगह फिर मसला क्या पैदा हुआ है इसको समझना चाहिए ना मसला ये हुआ कि जिस वक्त आप दीन पर काम करना चाहते हैं या दीन को समझना चाहते हैं तो बिलूम अज्जा में बिखरे हुए अहकाम सामने आते हैं ये नमाज़ है ये रोज़ा है ये हज है ये ज़क़़़़त है ये फ़लाँ चीज़ हराम है फ़लाँ चीज़ फ़र्ज है ऐसे ही मालूम होता है ये चीज़ें मुदम्न भी हैं और जब रसालत माँ आप सल्लम की तरफ़ रजू किया जाता है और जाहिर है कि दीन के मामले में जो भी तहकीक की जाएगी वहाँ अपनी तरफ से तो कोई चीज़ ईजाद नहीं की जा सकती रसालत माँ आप सल्लमी की तरफ रजू करेंगे मेरी ये किताब भी यहीं से शुरू होती है कि दीन का तनहा माखज महम्मसूल्ला वसलम की ज़ात वाला सिफ़ात है मोहम्मद सल्लम से ये दिन आपके कॉल फेल और तकरीर और तस्वीप के ज़रिए से मुंतकिल हुआ है ये भी हम जानते हैं कि वो कुरान की सूरत में है वो सुन्नत की सूरत में है ये तमाम बातें तो मतन हैं तो इसमें जब आप इस तरह के अज्जा की तहकीक करना चाहते हैं तो कहीं क़ुरान मजीद की एक आयत बयान कर रही है कहीं रसालत में आपली व्ल्म की सुनत में एक चीज़ मुंतकिल हो रही है कहीं किसी रिवायत में उसकी कहीं तोज़ हो रही है तो इस तरह आपके पास वो मवाद सारा सामने आ जाता है और ये मालूम होता है कि ये पैगंबर की ज़ात है और उससे ये चीज़ें सादिर हो रही हैं यानी अगर रसोल स नमाज भी पढ़ते नज़र आ रहे हैं यानी एक तस्वीर बनती है तो पाँच वक्त ही पढ़ रहे हैं ना हर वक्त तो नहीं पढ़ रहे ऐसा ही होता है ना तो कोई भी चीज़ जब सामने आएगी तो एक जुज्वे के तौर पर सामने आती है जैसे ही हम दावत का लफ्ज़ बोलते हैं तो पैगंबर पूरी की पूरी शख्सियत के साथ सामने आ जाते हैं। यानी रिसालत में आप पाँच वक्त नमाज पढ़ते थे लेकिन दावत तो हम वक्त थी दावत ही आपकी शख्सियत है खुद कुरान ने आपका तारफ यही कराया है कि हमने ये पैगंबर भेजा है दान अल्लाह भेज नहीं यानी अल्लाह की तरफ से इसकी दावत देने वाला बनाकर ये दावत ही है जिसको दूसरे लफ्ज़ों में इंज़ार से बशारत से अदा किया जाता है पैगम्बरों का मकसद क्या है किस लिए भेजे गए कुरान उसको बयान करता है तो कहता है फ्बा नबीन मुबरिन व मुनजरीन तो दावत ही असल में उनका तारुफ है दावत ही उनकी शख्सियत है दावत ही उनका अमल है यहाँ तो ये था कि ये कौल वो फ़ेल और ये तकरीर व तस्वीर यहाँ पर हर चीज़ हर लम्हे कॉल भी है फेल भी है तकरीर तस्वीर भी है वो क्या है दावत ये आपके इलम में है कि मुझे जब असूल वबादी में ये मसला दरपेश हुआ कि मैं ये बताऊँ कि क़ुरान क्या है तो मैंने उसकी क्या तारीफ़ की है यानी क्या तारफ़ कराया है मैंने ये बताया ये पैगम्बर की सरगजशत दावत है ठीक है ना पैगम्बर की सरगुज इंसार है इंसार दावत जो भी लफ्ज़ आप इस्तेमाल करें तो पूरा कुरान यहाँ पर भी वही सूरत पैदा हो जाती है यानी जैसे ही आप दावत के लिए कुरान की तरफ रजू करते हैं तो यहाँ भी अज़ात तो बाद में ज़ेर बहस आएंगे ना वो पूरी की पूरी किताब दावत की किताब है यानी वह असल में एक पैगंबर की दावत की तारीख पूरी पूरी शुरू से लेके आखिर तक वो पैगंबर की बेसत हुई है उन्होंने बात की है उन्होंने पैगाम पहुँचाया है वो पैगाम पहुँचा रहे हैं उस पूरी सरगुजश्त को जिस तरह आज अगर आपके पास बाद ऐसे आलात हैं कि आप गिरफ्त में ले लेते हैं तो एक पूरी दास्तान की दास्तान एक फ़िल्म के तरीक़े पर लोगों को दिखाई जा सकती है बिल्कुल यही सूरत हाल कुरान मजीद की है यानी पूरा कुरान पुरा असलन क्या है नमाज उसमें आप अगर किसी मौके पर शुमार करोगे तो हो सकता है आप कहें जी कि दसवें जगहों पर बयान हुई है मीराश का कानून सूरह निसा में बयान हुआ है जिहाद के अहकाम या बकरा में बयान हुए हैं या तोबा में बयान हुए हैं या अनफ़ाल में बयान हुए हैं लेकिन दावत कहाँ बयान हुई पूरे कुरान में बयान हुए पूरा कुरान मजीद दावत की किताब है असल तो एक तरफ़ कुरान पूरा का पूरा दूसरी तरफ पैगम्बर की अपनी ज़ात पूरी की पूरी फिर मुसलमानों का जो इल्म है उसको अगर आप देखें तो वहाँ ये बात असूल में तो कही जाती है कि दीन के माखज़ में पहले क़रान है फिर उसके बाद सुनत है फिर इजमा है फिर उसके बाद इश्तहाद या क्यास जो भी कहना हो लेकिन अमली तौर पर ये पैगंबर की ज़ाते वाला सिफ़ात है जो हर जगह मुकदम हो जाती है यानी असला क्या होता है असला रसालत बलीसम से जब दीन एक रिवायत बनकर एक अमल बनकर कर होता है तो वो चीज़ मुकदम हो जाती है और फिर हम देखते हैं कि अब कुरान में क्या है फिर हम देखते हैं कि बाकी जगहों पर क्या है आम तौर पर हम मुसलमानों की दीनी रवायत में ये चीज़ वजूद में आ जाती है यहाँ तो कुरान को देखिए तो दावत पैगंबर को देखिए तो दावत इसको मुकदम कर लें तो दावत उसको मौकर कर लें तो दावत जो जी चाहे करें यानी दोनों जानब से यही होगा तो ये चीज़ एक महक् को खीरा को कर देगी यानी उसके इरतक़ को ख़त्म कर देगी और वो मजबूर हो जाएगा कि वो इस किताब का भी और पैगंबर की पूरी शख्सियत का असीर हो जाए तो बिल्कुल यही हुआ है और जब ये हो गया है तो उसके बाद उस्ताद इमाम हों या मौलाना सैयद अब्दुल साहब मऊदूदी हों जिन्होंने इस पर बाकायदा काम करने की सही की वो सब के सब दावत को जब बयान करने बैठे हैं असल में वो पैगंबर के पूरे कारनामे को बयान करने में मसरूफ़ हो गए हैं यानी रसालत अलैहि वसल्लम नमूने के तौर पर भी पूरी शख्सियत में सामने आ गए हैं और क़ुरान भी ये मौका ही नहीं दे रहा कि उसके अज्जा की तरफ जाएँ इसलिए कि वो सरासर दावत है सरासर इंतजार है ये सरग इंसार जिस तरह के मैंने अर्ज़ किया इस सूरत हाल में अब दोनों बुज़ुर्ग जब इसको बयान करेंगे तो क्या होगा सबसे पहला मसला ये पैदा हो जाएगा कि जब आप रसूलुल्लाह की शख्सियत को देखेंगे तो वहाँ दावत मुजरत दावत नहीं रही वो नतीजा खेज हो गई यानी क्या नतीजा निकला रसूलुल्लाह सल्लम ने दावत बर्पा की बताया जाता है कि कोई उनतालीस चालीस साल की उम्र थी जिसमें आपको नबूत दी गई फिर आपने अपना पैगाम पेश करना शुरू किया कुरान लोगों को पढ़ कर सुनाया मुखालफत हुई बहुत से मुश्किल हालात आए हबशा की तरफ लोगों को हिजरत करना पड़ी बहुत से लोग अपने बड़ों की सतम का निशाना बने हिजरत हुई पदीना तशरीफ़ ले आए बहुत से मरल उसमें भी पेश आए दो तीन मरतबा अपनी ही कौम के लोग अपने अयजा अकरबा अपने कबीले के लोग हमलावर हो गए बड़े मुश्किल हालात से गुजरने के बाद अल्लाह ताला ने रास्ता खोल दिया मक्का फतह हुआ और एक गैर मामूली हादसा हो गया और वो ये कि वही शख्स वही जमात जो बिल्कुल निहत्ते थे जिनका कोई मालूम होता था कि वाली बारिश नहीं है या आपको मालूम है ये कहा जाता था कि ये तो अब तर होकर रह जाएंगे, वही पूरे जजीरा नुमा अरब के हुक्मरान हो गए और फिर जजीरा नुमायरब के हुक्मरान क्या हुए यानी एक बहुत बड़ी सल्तनत इतनी बड़ी सल्तनत पंद्रह बीस साल के अंदर अंदर वजूद में आ गई कि दुनिया की तारीख़ में कभी इस तरह का वाकया या इस तरह का हादसा नहीं हुआ होगा तो नतीजा निकल आया नतीजा क्या है एक हकूमत इलाह यानी अल्लाह ताला के कानून के मुताबिक अल्लाह की निगरानी में काम करने वाली हुकूमत फिर ये कि रसालत में आप के बाद ऐसा तो नहीं हुआ कि जैसे ही आप दुनिया से रुखसत हुए आपके जसद मुबारक को सपुरद खाक किया गया और ऐलान कर दिया गया कि आज से सब ख़त्म यानी वो सल्तनत भी बाकी है उसका नज़म भी बाकी है और उस पर आपके साथियों में से वो लोग हुकूमत कर रहे हैं जो मुसलमानों के लिए गोया उनके शब रोज़ की हिदायत बन गए होलफाय राशद उनको कहा जाता है तो मुसलमानों के पूरे जहन में एक मिसाली तस्वीर यही बन गई कि इस्लाम जब ज़मीन पर आता है तो ख़िलाफ़ रास्ता होता है ये तस्वीर उस नतीजे को भी अपने अंदर लिए हुए है चुनाचे दोनों बुज़ुर्गों के सामने दावत का यही नतीजा है। निकलना चाहिए यानी इस हालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाँ अगर आप दाएँ बाएँ हर तरफ़ से गुरेज़ करके इरतक़ करेंगे तो कुरान मजीद भी हर बाब के आखिर में इसी नतीजे तक पहुँचा रहा है बशारत दे रहा है बशारत दे रहा है और इसी नतीजे तक पहुँचा रहा है ऐलान कर रहा है कि इन्ना आतना कल कौसर फसल रबन है इन्ना शान कौल तर ये बयान कर रहा है कि ये सब अबू लहब की बादशाही ख़त्म हो जानी फिर अल्लाह ताला ने ये नतीजा निकालना है तो वो नतीजा कुरान में भी उसी तरह से बयान हुआ है हर बाब उसी तरफ आपको ले जा रहा है तौबा उस तरफ ले जा रही है आप देखिए मायदा उसी के आखिरी मराहल को बयान कर रही है बाकी सूरतों में मालूम होता है कि नूर में पहुँचे हैं तो अब तो अल्लाह के दिन का नफाज हो रहा है आजाब में यही सूरत नजर आती है तो आपको कुरान मजीद के तमाम अब्वाब का ख़ात्मा भी इसी पर होता नज़र आ रहा है और रिसालत में आपकी की सीरत तो यहाँ क्या हुआ सीरत शख्सियत सुन्नत क़ुरान ऐसे लगता है सारे के सारे एक ही तस्वीर पेश कर रहे हैं यही मालूम होता तो इस तस्वीर में जिस तरह के मैंने अर्ज़ किया कि दावत का हदफ़ और दावत का नतीजा वो एक खिलाफ रास्ता बन जाता है राजा मैंने आपको बताया था कि उस्ताद इमाम की किताब दावत दीन और उसका तरीक़ेकार का आखिरी बाब दावत के मरल है वो शुरू हुई और फिर उसके बाद उसकी हमत अमली उसमें किन चीज़ों को मरहूज़ रखना चाहिए मुखातबीन कौन होंगे उन मुखातबीन के साथ मामला कैसे करना है इस्तलाल के क्या तरीके हैं यहाँ तक तो बड़े मुफीद मबाइस से आप गुज़रते जाते हैं आखिर में क्या होता है दावत के मरल और उसमें आखिरी मरला क्या है इकदाम किस चीज़ के लिए इकदाम के क्या हुकूत इला के लिए इकदाम यानी आखिर में जाके वरना इकदाम की जरूरत ही नहीं है ना अगर दावत ही दावत है तो ख़त्म हो गया मामला और उधर वो इकदाम होता हुआ नज़र आ रहा है तो आप ये देखिए कि मौलाना सैद अब्ला साहिब मौजूदी ने जब इब्तदा की तो उन्होंने एक तकरीर की अलीगढ़ में अलीगढ़ का जो मशहूर हाल है उसमें उन्होंने वो तकरीर की उस तकरीर का वनवान है इस्लामी हुकूमत किस तरह कायम होती है इस्लामी हुकूमत किस तरह कायम होती है ये गोया उस हदफ़ का बयान है दूसरे लफ्ज़ों में ये कहिए कि दावत किस तरह अपने आखिरी नतीजे को पहुँचती है अब इस्लामी हुकूमत किस तरह कायम होती है उसको वो बयान करेंगे आप उस तकरीर को पढ़िए वह शाइशुदा मौजूद है उसमें रिसालत माँ आप सल्लम की पूरी सीरत को इब्तः से ले कर इंतहा तक सामने रख के कहा गया कि ऐसे कायम होती यानी माखज़ क्या है इस्तलाल का या बिना इस्तलाल क्या है रिसालत मबल्लम की सीरत मैंने अर्ज़ किया ना कि हमारे यहाँ इलम की रवायत में पैगम्बर मुकदम हो जाता है तो मौलाना सैद अबूल साहब मौजूदी की प्रेजेंटेशन में वही मुकदम है इस्लामी हुकूमत किस तरह कायम होती उसी से असल में उनकी सारी दावत और बाद में जो कुछ भी ये क्या है पाकिस्तान से पहले की बात है बहुत इब्तई ज़माने की वो फिर नवोदार हुई चना चे आपके इलम में होगा कि जब जमात इस्लामी में कुछ बुनियादी मामलों में इख्तलाफ हुआ तो खुद उस्ताद इमाम अमीना हसन इसही ने इसका हवाला दिया कि इस पर इतफ़ाक़ कर लीजिए इससे कोई इख्तिला नहीं इसका मतलब यह है कि दोनों जानब इश्तराक की बुनियाद ये चीज़ रही इस्लामी हुकूमत किस तरह कायम होती है इधर जब उसको कुरान मजीद के इस्तलाल से बौक़त करके एक बाकायदा फ़न के तौर पर जैसे कि फिक बनती है उस्ताद इमाम ने लिखना चाहा और वो किताब वजूद में आई जिसको मैंने कहा है कि वो अपनी पेशकश के लिहाज से अपने इस्तलाल की नुदरत के लिहाज से एक शाहकार है तो जब उन्होंने लिखने का फ़ैसला किया तो रसोल्ला की शख्सियत भी वही सामने है और पूरा कुरान भी उसी तरीके सामने है तो पैगम्बर की दावत क्या होती है इसको मौलाना मौजूदी ने बयान कर दिया किसी को उस्ताज इमाम ने बयान कर दिया उन्होंने सीरत को सामने रख के बयान कर दिया और उस्ताद इबाब ने कुरान मजीद को बुनियाद बनाकर और सीरत को उससे मुतलक़ करके बयान कर दिया एक इलमी चीज़ गैर मामूली इल्मी चीज़, चीज़ वजूद में आ गई अब ये देखिए कि ये चूँकि एक ऐसा मुकदमा था कि जो पूरी कु्वत के साथ जहन का अहाता कर चुका है जहन उसका असीर हो चुका है आखिरी दर्जे में तो एक और किताब है मौलाना सैद और मौजूदी की इसका अनवान है तजदीद दीन ज़ाहिर है उसका मौजू भी यही है उसमें भी यही मकसद है कि दीन को जिंदा किया जाए दीन को लोगों के सामने नुमाया किया जाए तो उसमें वो बुनियादी असूल बयान करके अब ये बताते हैं कि हमारी उम्मत में बहुत बड़े बड़े लोग हुए हैं जिन्होंने ये काम अंजाम दिया है ये ख़दमत अंजाम दी है दूसरे लफ्ज़ों में ये कहिए कि एक लिहाज से वो तजदीद व्याए दीन के मबादी को भी बयान करती है और जो बड़े बड़े मुजद्दीन पैदा हुए हैं उनकी एक तरह से तारीख भी बन जाती है तो उसमें वो हर जगह ये बयान करते हैं कि दावत भी हुई लोगों तक पैगाम भी पहुँचा हक़ को वाजे भी किया गया लेकिन कोई कामिल कामिलमद नहीं उठ सका बल्कि उमर बिन अजीज़ पर यह तबसरा किया है कि वो अगरचे उस आखिरी जगह तक पहुँच गए थे हुकूमत तक तो वह पहुँच गए ना पहुँच गए थे लेकिन बहर वो भी कामिलमजद होते होते ही रह गए क्यों इसलिए कि जो कुछ भी दावत बरपा होनी है जो कुछ भी उसके अहवाल हैं उसका एक नतीजा निकलना है और वो नतीजा हर हाल में दोनों बुज़ुर्गों के यहाँ वही है जो रसालत बसम की ज़िंदगी में निकला तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये सारी दावत ये सारा पैगाम इसके सारे अहवाल जितने भी हैं उनका इरतक़ इसी चीज़ पर है कि आपके सामने एक तरफ़ पैगम्बर है और दूसरी तरफ कुरान मजीद की है और वो भी असल में पैगम्बर की सरगुजश इंजार है तो पैगम्बर की पूरी शख्सियत आपने कहाँ से बात शुरू की आपने किन मरहल से गुजार कर ये सब काम किया आपने अपने साथियों की तरबियत किस तरह की आप किस तरह से उस जगह तक पहुँचे जिसके बाद फिर एक बाकायदा हुकूमत कायम हो गई यही पूरी सरगुजश असल में दावत दीन और उसका तरीक़ार बन गए ये पूरी की पूरी तो क्या ये जो सरगुजश्त है और ये जो पैगंबर की दावत है और जिस तरह वो हमारे सामने आई है यही दावत दीन है यानी दावत दीन का इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि खुदाई ज़हूर तो यही है ये तो मैं भी कहूँगा लेकिन क्या यही है अगर यही है तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं एक मज़दूर हूँ मैं मुसलमान हो गया आपने मुझे बताया कि दीन की दावत भी तुम्हारी जिम्मेदारी है तो मुझे पहला काम क्या करना चाहिए वही जो रसोल्ला ने किया और आखिरी काम क्या करना चाहिए वही जो रसोल्ला के यहाँ हुआ यही होना चाहिए ना तो यह है ना एक नाजुक सवाल मेरा है इसी पर बात खत्म कर आपसे बड़ी अहम बात आपने फरमाई कि रसूल की दावत के जो मरल थे उसको उम्मत की दावत के मरल बना दिया गया और इन दोनों बुज़ुर्गों ने आपकी जो बात है इससे एक चीज़ जहन में आई रसायलो मसायल में यही सवाल मौलाना मौदूदी से जब किया गया कि आपकी दावत का जो हदफ़ और नसबुल है अगर उसको इस तरीके से हासिल ना किया जा सके तो फिर क्या होगा हम सब मैं आपकी खिदमत में वो जवाब रख देता हूँ और फिर इस पर तबसरा अली नशस्त लेंगे मौलाना मौदूदी ने फरमाया कि बिलाशुबा ऐसी हालत में कि जब गैर इस्लामी स्टेट हम अगर हो इस हालत की बनबत जबकि फासदित समाजी निज़ाम बिल्कुल इब्तदाई नौीयत का हो बहुत कुछ फ़र्क वाक़ हो जाता है और इस लिहाज से तरीकाकार में कम अज़ कम सूरत के लिहाज से तगर करना ज़रूरी है लेकिन उसूली लिहाज से तरीक़ाकार में किसी तगैर की ज़रूरत नहीं है उूली तरीक़ाकार यही है कि हम पहले अपनी दावत पेश करेंगे फिर उन लोगों को जो हमारी दावत पर लब कहेंगे मनज़म करते चले जाएँगे फिर अगर राय आम रय आम की मवाफ़त में या हालात की तब्दीली से किसी मरहले पर ऐसे हालात पैदा हो जाएँ के वक्त दस्तूरी तरीक़ों से ही निज़ाम हुकूमत हमारे हाथ में आ जाए तो मुमकिन हो तो ये करेंगे और हमें है कि हम सोसाइटी के अखलाक तमदनी और सियासी और माशी निज़ाम को एक उसूल में ढाल सकेंगे तो हमें इस मौके से फ़ायदा उठाने में कोई तामुल नहीं है इसलिए कि हमें जो कुछ भी इस वास्ते से करना है वो मकसद के हसूल और तरीक़ार के लिए लेकिन अगर पुरान ज़राए से जोहर इकतदार यानी जो सब्सटेंस ऑफ पावर है मिलने की तो ना हो तो फिर हम आम दावत जारी रखेंगे और तमाम शरिए ज़राए से इनकलाब बरपक करने की कोशिश करेंगे मौल मौदूदी का एक तबास मैंने पढ़ के सुनाया इस पेगाम साहब से तबसर देंगे वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है दोबारा हाजिर खदमत होंगे अब तक आपको बहुत शुक्रिया